हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैंने जो मेकअप लुक क्रिएट किया है उसका स्टाइल दी से इंस्पायर मेकअप लुक है, यानी कि साइमा दी से। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड एंड फैमिली। सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। और फिर मैं वेदी हर्बल्स का लिप बाम लगा रही हूँ अपने लिप को हाइड्रेट करने के लिए। और मैं एज अ प्राइमर यहाँ पे होममेड सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अलग से कोई प्राइमर नहीं है गाइस। और फिर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ लैक्मे का, आप कोई भी फाउंडेशन लगा सकते। अब फिर एक ब्यूटी ब्लेंड के हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूंगी। और मैं यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे अपने ब्लेंडर पे स्प्रे की ताकि फाउंडेशन अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। और थोड़ा सा हेयर में मेरे लग गया है तो आप ध्यान दें, अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लें। फाउंडेशन कभी भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ख़राब दिखता है। और फिर मैं उसे सेट करने के लिए मेबलिन का कॉम्पैक्ट लगाऊंगी ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और फिर आईब्रो को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन काजल का यूज़ की हूँ। इसे अच्छी तरीके से अपने आईब्रो को फिल कर लें और एक एक्सप्लोरली के हेल्प से इसे सेट कर लें। और फिर एज अ बेस मैं जदा जैकलिन हिल पैलेट से एक लाइट शेड लगा रही हूँ ब्राउन दोनों आई लिड पे। और फिर मैं गोल्डन कलर का आई साइडो अपने आई लिड पे लगाऊंगी एज एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से। आप चाहे तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों आईलिड पे अच्छी तरीके से लगा लें। और फिर मैं लैक्मे का आईलाइनर लगाऊंगी, ये जल्दी सूखता नहीं है गाइस तो इसलिए आईलिड पे लग जाता है। आप चाहे तो दूसरा आईलाइनर भी लगा सकते हैं। और फिर मैं काजल लगाऊंगी, अगर आईलिड पे आईलाइनर लग जाए तो डोंट वरी गाइस, एक कॉटन पैड ले और उसे वाटर में डिप करें और फिर वहाँ पे थोड़ा सा लगा के फटाक से हटा लें। और फिर मैं काजल लगाई हूँ वाटर लाइन पे और सेम आई साइडो मैं अपने वाटर लाइन पे स्मच करूँगी अच्छी तरीके से लगा के। और फिर मैं स्विस ब्यूटी का मस्करा लगाई हूँ और मैं उसी द जैकलिन हिल पैलेट से ही एक कंटूर सेट से अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम कंटूर किया है ताकि क्योंकि साइमा दी हर मेकअप ट्यूटोरियल में कंटूर करती है अपने फेस को। और फिर मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ द जैकलिन हिल पैलेट से ही, मैंने हाइलाइटर भी लगाया है क्योंकि मेरे पास हाइलाइटर भी नहीं है। सब जगह जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ मैं लगा ली। और फिर मैं ब्लश लगाऊंगी लाइट कोरल शेड। और फिर मैं फिर से हाइलाइटर लगा रही हूँ क्योंकि बोन्स पे मुझे वहां पे कम लग रहा था इसीलिए। और फिर मैं हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था रेड कलर, उस पे शेड अलग अलग नेम से लिखे हैं बट मुझे लगता है कि रेड कलर है सो मैं रेड कलर बोली। इसे अच्छी तरीके से लगा ले। थोड़ा सा लिपस्टिक लगाने में मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है, इधर उधर लग जाता है तो छूटता भी नहीं है गाइस। और अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं अपना DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ की हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
और इस तरह से मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेकअप लुक भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय गाइस एंड लव यू ऑल। आई होप कि साइमा दी वीडियो देखे, अगर उनको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो सॉरी दी। सो बाय गाइस एंड लव यू ऑल।